पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के ख़त्म होते ही जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारियां शुरू। जिम्बाब्वे जिसने नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब यह सीरीज अक्टूबर में ही खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के दरमियान शेड्यूल के मुज़ाकरात तय पा गए। इस सीरीज़ में कितने वनडे और 20 मैचेस खेले जाएंगे और ये कब, कहाँ और किस टाइम शुरू होंगे, मुकम्मल तफसील जानिए इस वीडियो में। लेकिन तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, रिकॉर्ड, शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से गा करते चलें कि पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा अपने अख्तिताम को पहुँच गया। इसके बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शेड्यूल का ऐलान हो गया है। जिम्बाब्वे जिसने नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन जिम्बाब्वे ने नवंबर के बजाय अक्टूबर में आने की हामी भर ली। दोनों टीमों के दरमियान अब अक्टूबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये सारे मैचेस कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में ही खेले जाएंगे और यहाँ भी तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक इस सीरीज़ का आगाज 20 फार्मेट से होगा, जिसका पहला मैच अक्टूबर के पहले हफ्ते खेला जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका मुकम्मल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अगर 20 मैचों के टाइम टेबल की बात करें तो ये शाम 7 बजे शुरू होंगे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, जबकि वनडे मैच डे नाइट होंगे जो सुपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। इस हवाले से दौरा जिम्बाब्वे के लिए चंद रोज में पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी किया जाएगा। इसके बाद आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज से भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के बकिया मैच का शेड्यूल जारी कर दिया है। बकिया 4 मैचेस में से पहला मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जो कि 14 नवंबर को खेला जाएगा कजाफ स्टेडियम लाहौर में, और ये सारे 4 मैचेस कजाफ स्टेडियम लाहौर में ही खेले जाएंगे। और इस PSL का फाइनल 17 नवंबर को कजाफ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ये थी क्रिकेट के 2 बड़ी न्यूज़ जो कि हमने आप तक शेयर की। मिलते हैं किसी अगली ज़बरदस्त क्रिकेट न्यूज़ या रिकॉर्ड के साथ। अब तक ले जाता दीजिए, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।